रतलाम में आदिवासी युवा और आनंद राय को जेल में डालने को लेकर समाज में काफी आक्रोश है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत किया गया है और ये भाजपा की आदिवासी विरोधी सोच को उजागर करता है, लेकिन इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। प्रदेश के युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि रतलाम में आदिवासी युवाओं और आनंद राय को षड्यंत्र पूर्वक जेल में डाला गया है और ये भाजपा की आदिवासी विरोधी सोच को उजागर करता है। भाजपा को केवल वही आदिवासी पसंद है जो उनकी जी हुजूरी करे और समाज को गुमराह करे। समाज के लिए आवाज उठाने वाले उन्हें सहन नहीं होते। भूरिया ने कहा, अगर जल्द हमारे आदिवासी भाइयों को रिहा नहीं किया गया तो इसका अंजाम भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारे आदिवासी साथी लोग जिनको गिरफ्तार करा गया था, आनंद राय को भी गिरफ्तार करा गया था, मैं खुद व्यक्तिगत उनसे मुलाकात करने भी गया था, और सरकार ज़बरदस्त दमनकारी नीति कर रही है और जो भी आदिवासी साथियों को गिरफ्तार करा, एक तरफ आदिवासियों की बात करने का दावा करती है सरकार और दूसरी तरफ जो भी आदिवासियों की आवाज़ उठाता है उनको जेल में बंद करने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि इनको वही लोग पसंद है जो इनकी जी हजूरी करें और जो अगर समाज की बात करते हैं, लोग की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, उनको जेल में डालने का काम ये कर रही है। जनता निश्चित तौर पर इसको देख रही है और मैं इस चीज़ का पूर्ण समर्थन करता हूँ कि ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगना चाहिए और सरकार को थोड़ा होश में आना चाहिए। इस तरह की जो दमनकारी नीति वो अपना रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं तो उनका आने वाले दिन में सब लोग देंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।